सरकार के द्वारा लगाया गया अध्यादेश पर सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए लाए गए अध्यादेश में 1 लाख का अर्थदंड और 2 साल के सजा का प्रावधान किया गया, जिसका सोशल मीडिया से लेकर तमाम विपक्षी दल इसको तुगलकी फरमान बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि लोगों को इस मामले में अधूरी जानकारी है। दरअसल अध्यादेश का रेगुलेशन बन रहा है, उसमें ही तय होगा कि किस प्रावधान के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगेगा और कितने साल की सजा होगी। यानी कि सरकार का यह कहना है कि हर नियम के आधार पर, हर बिंदु के आधार पर अलग अलग जुर्माना लगाया जाएगा, अलग अलग सजा के प्रावधान होंगे। यानी कि अगर जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसमें गाइडलाइन में किस बिंदु पर कितनी सजा या उसका उल्लंघन करने पर कितनी सजा और कितने जुर्माने का प्रावधान है, इसको लेकर पूरी जानकारी अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति यानी कि नोट, प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी है। उसने यह भी कहा कि लोगों को अभी पूरी जानकारी इसको लेकर नहीं है, जिसके चलते इस तरह के विरोध किए जा रहे हैं। यानी कि हर नियम का उल्लंघन करने पर अलग सजा का प्रावधान है और अलग अर्थदंड का प्रावधान है। इस खबर पर हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, सरकार का यह कहना है कि हर नियम के लिए अलग अलग कानून है, लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए विरोध हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस अध्यादेश का चौतरफा विरोध हो रहा था देश भर में, सोशल मीडिया से लेकर तमाम विपक्षी दल, चाहे आप व्यापारिक संगठन की बात करें, वो इस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जमशेदपुर जैसे जिले में व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां पर तृणमूल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसको लेकर के बंद बुलाई थी। तो देखिए, पूरे मामले पर प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया था, लोगों के अंदर एक डर घर कर गया था कि कहीं ना कहीं अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं या फिर सरकार के किसी भी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उसे तत्काल उनसे 1 लाख रुपए की वसूली की जाएगी या फिर उन्हें 2 वर्ष का कारावास मिल जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस अध्यादेश को लेकर के अधूरी जानकारी, सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश की है और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमाम बातों को क्लियर किया है। दरअसल कैबिनेट में इस अध्यादेश को पारित किया गया है, अब इस पूरे मामले पर रेगुलेशन बन रहा है, वहीं पर कमेटी गठित होगी और कमेटी गठित होने के बाद प्रावधान के आधार पर सजा तय होगा कि भाई आपको कितने वर्ष की सजा होगी या फिर कितने लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ करके और सीधे उनको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया जाएगा, आप मास्क नहीं पहने हैं तो आपको पकड़ करके 2 साल की सजा सुना दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकार इसी को लेकर के अपना जो है अपना स्टैंड क्लियर की है। देखिए, अध्यादेश अभी भी है, इस बात को समझिए, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार ने सफाई पेश करके ये बताया है कि जो प्रावधान है उसके आधार पर सजा होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई छोटी सी चीज को लेकर के भी उल्लंघन करता है आदेश का तो इसको लेकर के ऐसा नहीं कि उन्हें 2 बार जेल में डाल दिया जाएगा या फिर 1 लाख रुपए की वसूली कर ली जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शुक्रिया नवीन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के।